सो है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम करने वाले एट बॉल पुल कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली बैकग्राउंड को अपने पिकशॉट में ओपन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सिंपली इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है और सिंपली यहाँ से चूज करना है ब्लर। ब्लर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है लेंस ब्लर, जो कि आपको मिलेगा। और इसकी सेटिंग हम कुछ इस प्रकार रखेंगे। इसको टैप करने के बाद लाइटनेस को हम लोग रखेंगे अराउंड 30 और 12 के आसपास, और रेडियंट को हम लोग रखेंगे 22 या फिर 20 के आसपास। कुछ इस तरीके से सेटिंग करने के बाद ऊपर से कर लेते हैं डन। फोटो मेरा लेंस ब्लर हो चुका है। आगे की फ़ोटो एडिटिंग हम ड्रॉ टूल में करने वाले हैं। इससे फ़ोटो की क्वालिटी कम नहीं होती है, तो सिंपली ड्रॉ टूल में जाकर और सिंपली ड्रॉ वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करते हैं। इस पर आने के बाद सिंपली इस वाले लेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ फ़ोटो पे जाके यहाँ फ़ोटो वाले आइकन को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली कुछ स्टेप से एक फ़ोटो आपको क्लिक करवा लेना है, हाथ में एक स्टिक या फिर कुछ भी लेकर, जिससे कि हम एट बॉल पुल का जो स्टिक है उसको रख के और एडजस्ट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिएगा और कहीं भी टैप कर दीजिएगा तो फ़ोटो आपका सेट हो चुका। सेट हो जाने के बाद सिंपली इस लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करके एम्प्टी लेयर बनाएंगे। खाली लेयर आने के बाद सिंपली यहाँ से अगेन फोटो लेयर पे जाएंगे और आपको ये वाला PNG जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड करके कुछ इस तरीके से यहाँ से नीचे अप्लाई कर देना है। इसमें जो भी PNG ऐड होंगे सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली डाउनलोड कर लेना है और कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो को एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे सेट करके कहीं भी टैप करूँगा तो ये सेट हो चुका। अब रही सिंपली इसमें दो तीन PNG है जो है ऐड करने की, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेयर वाले ऑप्शन पे चलते हैं और अगेन एम्प्टी लेयर बनाएंगे, बंद करेंगे और फिर फोटो लेयर पे जाके ऐड करेंगे PNG। तो सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ इसको, क्योंकि फ़ोटो बहुत बारीकी से इरेज करना है। तो सिंपली ये वाली ऑप्शन स्टिक को आपको चूज़ करना है, रोटेट कर देंगे और ऊपर से डन कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके से फ़ोटो को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद कहीं भी क्लिक करेंगे और ये देखिए फ़ोटो सेट हो चुका। सिंपली अब लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसको सेट सिलेक्ट करके और सिंपली इरेज वाले आइकन पे जाके और साइड से यहाँ से ऑपेसिटी भी हल्का सा कम कर देंगे और उसके बाद नीचे वाला जो भी पार्ट्स है उसको इरेज करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना है पूरा और इरेज करना है। मैं उंगलियों के बीच से भी हटा ले रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से इरेज हो चुका। अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसकी ऑपेसिटी को फुल कर देंगे। फुल होने के बाद देखिए स्टिक लग रहा है कि हम लोग अपने हाथ में ही पकड़े हुए हैं। तो ये एडिटिंग हो चुका। अगेन एक दो ठो और PNG ऐड करना है, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपली एम्प्टी लेयर बनाएंगे, फोटो लेयर पे जाएंगे और आपको ये वाली PNG सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ऊपर लाइट वाली PNG को लगा देना है। लाइट वाली PNG को लगाने के बाद सिंपली कहीं भी टच करेंगे, सेट हो गया। सिंपली अब लेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी करेंगे और इसको थ्री डॉट पे करके ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसी PNG को हम साइड में भी लगाएंगे, ताकि लगे कि सीरियल वाइज टेबल लगे हुए हैं और सभी टेबल के ऊपर लाइट लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद ऊपर से डन कर लेंगे। डन हो जाने के बाद अगेन अब शैडो का कुछ काम रह गया है, वो हम लोग सेट कर लेंगे शैडो। तो उसके शैडो बनाने के लिए सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे और इसको ड्रैग करके जो टेबल है और मॉडल ये दोनों के बीच में रखेंगे। बीच में रखने के बाद सिंपली लेयर बंद करेंगे और इस पेन टूल पे जाएंगे और सेटिंग को कुछ इस तरीके से रख लेना है। ऑपेसिटी को आपको 86 के
के आसपास रखना है और हल्का सा नीचे ड्रैग करना है। अब थ्री डॉट पे जाकर ट्रांसफॉर्म करके इसको हल्का सा ऊपर उठा दीजिए। देखिए शैडो कुछ इस टाइप से बन चुका है। अब मैं बिफोर आफ्टर भी दिखा दूंगा आपको कि शैडो रहने और ना रहने से कितना फ़र्क पड़ता है फ़ोटो को। तो देखिए सबसे पहले ऑपेसिटी को कम किया और ज़्यादा किया, आपको देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक फ़ोटो वाली लुक आ रही है। इतना होने के बाद सिंपली यहाँ से एक और एम्प्टी लेयर बनाएंगे और आगे एक बॉल का पीएनजी जो है सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली आपको डाटा ऑन कर लेना है और इस फोटो वाले लेयर पे जाके यहाँ से देखिए एक स्टिकर्स का ऑप्शन होगा सेकंड वाला, उसको क्लिक करके वहाँ पे लिखना है ऊपर सर्च बॉक्स में टेनिस बॉल। टेनिस बॉल सर्च करते ही आपका नेट खुला होना चाहिए, कुछ इस तरीके से लिख कर सर्च कीजिएगा। देखिए आपके पास टेनिस बॉल की और रैकेट की बहुत सारी फ़ोटो आ चुकी हैं। इसको स्क्रॉल करके हल्का सा ऊपर कीजिएगा तो एक ये वाली फ़ोटो आपको मिल जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करके सिंपली डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट करने के बाद सिंपली कहीं भी क्लिक करेंगे और ये फ़ोटो आपकी सेट हो चुकी है। कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद अब आपका फ़ोटो पूरा एडिट हो चुका है। सिंपली यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो को कर देंगे सेव इमेज। सेव इमेज करने के बाद सिंपली ओपन हो जाते हैं हम अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में और यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके जो फ़ोटो हमने सेव किया था पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से उसको इम्पोर्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पेन वाला ऑप्शन बना है, उसको चूज़ करके एक सिलेक्टिव करके एक ऑप्शन होगा उसको क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से चूज करने के बाद नीचे प्लस वाले आइकन पर चूज़ करके और जहाँ भी आपका एरिया जो डार्क है उस पर सिंपली ले जाकर छोड़ देना है और पिंच करके थोड़ा सा जूम कर लेना है और सिंपली ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। हल्का सा और कलर हम लोग छेड़ेंगे जैसे कंट्रास्ट और सैचुरेशन को कम करना। सिंपली एक ऑप्शन हैंड के पास भी ले जाके करेंगे, सिंपली इसमें भी ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे और कंट्रास्ट को हल्का सा सेट करेंगे। अगेन इतना होने के बाद इस वाले हैंड के पास भी एक प्लस का ऑप्शन बनाएंगे और इसकी भी ब्राइटनेस को सेट करेंगे, ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे और कंट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। सैचुरेशन को हल्का सा इसमें डाउन करते हैं और देखिए आपकी फ़ोटो बिल्कुल ही एडिट हो चुकी है। बिफोर आफ्टर मैं दिखा दे रहा हूँ, फ़ोटो में ब्राइट लुक आ गया। अगर आपका फ़ोटो पहले ही से ब्राइट है तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, सिंपली फ़ोटो को सेव कर लेते हैं।